अमरीका तो आई गोरी मेम दे नाल श्री दरबार साहिब दे विच हो गया एक वड्डा चमत्कार। देखो किवें संगतां दियां लग गईयां लैना गूंजन लगे वाहे गुरु दे जयकारे। दूरों दूरों वेखन दे लई पहुंचन लग गए ने लोक। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हो साडे यूट्यूब चैनल दे नाल। गल करते हैं विश्वास की। जब असी सच्चे दिलों गुरु साहब के उत्ते विश्वास करते हैं तो गुरु साहब ही साड़ी हर गल जिहड़ी है उसनू पूरा करते हैं। असी जो उन्हां तों मंगदे हैं वह हर चीज़ साड़ी पूरी हुंदी है। पर अज अजिही एक गल तुहानू दसन जा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है कि दरबार साहब दे विच किसी होर धर्म के व्यक्ति दे नाल कुछ चमत्कार नहीं हो सकता। अजिहा है कि अमेरिका तो आई एक लड़की दे नाल कुछ अजिहा चमत्कार होया कि उत्थे बैठियां संगतां भी हैरान हो गईयां ते वाहेगुरु दे जयकारे गुंजन लग गए। असल दे विच एक गोरी मेम जो कि अमरीका तो अपने नाल 7 बच्चे लैके दरबार साहिब आई सी। असल दे विच अमरीका दे विच इस गोरी मेम दे वल्लों एक NGO चलाया जांदा है ते NGO दे विच एक कैंसर पीड़ित बच्चियां दा इलाज करवाउंदी है। तो इस दे बैच दे विच हुण 7 बच्चे सी जिन्हां दा कि इलाज इस गोरी मेम दे वल्लों करवाया जा रहा है। अमरीका च इन्हां 7 बच्चों का इलाज चल रहा है ते इन्हां सारयां दी कैंसर दी लास्ट स्टेज सी। डॉक्टरां ने आख दिता सी कि बच्चों का जिन्ना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो पर बच्चे नहीं बचणगे, जिस कारण ये गोरी मेम खुद तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती सी। तो अगे बच्चों को भी जब पता लग्या कि हुण वो नहीं बच सकते तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। पर उन्हां बच्चों ने गोरी मेम नूं आख्या कि हुण तो असीं मरण ही लगे हाँ, तुसीं साडी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। गोरी मेम ने पूछा कि थोड़ी इच्छा की है, तो बच्चों ने कहा कि असीं एक बार अमृतसर जाके दरबार साहिब दे विच नतमस्तक होना चाहते हाँ, क्योंकि असीं सुनिया है कि उत्थे वाहेगुरु जरूर साडी गल जिहड़ी है उह सुणदे ने, साडे रोग दूर कर देंदे ने। इह गल सुण के गोरी मेम थोड़ा जिहा भावुक हो गई, पर बच्चों की हालत खराब सी जिस कारण उसने एक बार डॉक्टर तो सलाह जरूर लिती कि वह बच्चों नूं दरबार साहिब लैके जा सकती है क्योंकि बच्चे उत्थे जाण दी जिद कर रहे ने। जिस तों बाद डॉक्टर ने आख दिता कि हाँ बच्चे सफ़र कर सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद ही गोरी मेम उन्हां बच्चों नूं लैके पंजाब आई दरबार साहिब दे विच नतमस्तक होए। जिस वेले वो दरबार साहिब च नतमस्तक होए तो बच्चे लोगों नूं वेख के बहुत खुश होए क्योंकि उन्होंने वेख्या कि किवें लड़कियां ने अपने सिर ते दस्तार सजाई है, सरोवर दे विच किंज लोग स्नान कर रहे ने, आसे पासे लोगों नूं वेख के अपने वर्गे होर बच्चों नूं वेख के ये 7 बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होए। तो इन्हां ने गोरी मेम तो यह भी पूछा कि आखिरकार इन्हां लड़कियां ने अपने सिर ते कपड़ा क्यों बन्नया। तो गोरी मेम ने अगे उन्हां नूं दस्या कि यह दस्तार हुंदी है जो कि लोग अपने सिर ते सजाउंदे ने। उस दे बाद दी गल करिए तो बच्चों दे वल्लों दरबार साहिब दे विच परिक्रमा की गई। परिक्रमा दे नाल नाल ही कहा जाता है कि जब अरदास दे विच ए बच्चे शामिल होए थे अचानक इन्हां बच्चों ने चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां, जिसनों वेख के संगत हैरान होगी। लोग इन्हां दे आले दुआले इकट्ठे हो गए। जिवें ही अरदास खत्म हुई तो बच्चे फिर तो एकदम ठीक हो गए। तो बच्चों ने गोरी मेम नूं आख्या कि सानू की होया सी। गोरी मेम ने कहा कि कुछ नहीं, बस वैसे ही तुसीं शरारता कर रहे सी। पर बच्चों दे जिथे मन की गल करिए तो बच्चे मन ही मन सोचन लग गए कि उन्हां दे नाल कुछ जरूर दरबार साहिब दे विच आके होया। जिस तों बाद यह बच्चे मुड़ के उस होटल दे विच चले गए जिथे कि रात रहण आए सी। उस तो बाद बच्चे मुड़ के वापस होटल दे विच चले गए। रात दे समय जब बच्चे सोन लगे तो इन्होंने अपनी गोरी मेम नूं कहा कि असी कुछ दिन होर दरबार साहिब आना चाहते हैं। जिस तो बाद वो गोरी मेम लगातार 3 तों 4 दिन तक बच्चों इस तरीके दे नाल ही दरबार साहिब लियांदी रही। तो अरदास दे विच बच्चों नाल रोज़ाना ही वो चीज़ हुंदी रही कि बच्चे चीकां मारन लग जाते। पर जिस दिन आखिरी दिन दरबार साहिब नतमस्तक होने के लिए आए तो उस दिन बच्चों ने गोरी मेम नूं आख्या कि हुण उन्हां नूं किसी भी तरह की थकावट महसूस नहीं होंगी, उन्हां नूं इंज लगता है कि वह हुण ठीक होने लग गए ने। जिसनों सुन के गोरी मेम हैरान हुई, पर उसने ये भी सोचा कि जिन्ने दिनों तो असीं दरबार साहिब आ रहे हैं बच्चों ने किसी भी तरह की दवाई नहीं खाई। फिर उस तो बाद ये सब लोग दरबार साहब नतमस्तक होकर वापस अमरीका चले जाते हैं। अमरीका जाके जब गोरी मेमना बच्चों का दोबारा चैकअप करवाती है तो डॉक्टर बच्चों जब कुछ सवाल पूछता है दवाइया बारे पूछता है तो बच्चे अगों आख देंगे ने कि असं बिल्कुल ठीक हाँ, असी दवाई नहीं खाना चाहते। जिस तो बाद गोरी मेम थोड़ा घबरा जाती है कि बच्चों ने इन्ने दिनों तो दवाई नहीं खाधी तो एक बार इन्हों का टैसट होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर टैसट करता है तो रिपोर्टा जब आदि ने तो सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि 7 दे 7 बच्चों दिया कैंसर दिया रिपोर्टा नैगेटिव आ जाए, यानी कि रिपोर्ट के बच्चों इन्ना मुराद बीमारी होंगी ही नहीं है।